तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग की जो गुडलक ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है थीम पार्क ऐप, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस या हो सकते हैं क्या नए फीचर एड ऑन किए गए हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग थीम पार्क ऐप के नए अपडेट और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पर अपने गुडलक ऐप में भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया, जैसे कि मैं इसको यहाँ से बंद करूँ तो आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया। नीचे की तरफ आए तो 7 जून 2023, मतलब आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया, जिसका वर्जन नंबर है 1.0.09.59 एंड देन साइज इज 15.82 MB का। यहाँ पर आप देखें इस अपडेट में क्या नया चेंजेस किया गया, उससे पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे क्या किया गया, एडिंग द डिफॉल्ट थीम टू द लिस्ट ऑफ थीम्स एंड आइकन, मतलब कि जब भी आप इसमें कोई थीम बनाते थे या आइकन बनाते थे, वहाँ पर अब आपको एक डिफॉल्ट का ऑप्शन दिखेगा। कैसे काम करेगा वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि अपडेट हो चुका है, अपडेट के हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जैसे ही ओपन होगा, अब आपको दो जगह वहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन मिलेंगे, थीम पार्क में और आइकन वाले सेक्शन में आपको दो जगह ये ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो ये वर्क कैसे करेंगे वो बताता हूँ। जैसे थीम में आ गए, थीम में आने के बाद मैंने मान लो ये वाली थीम को यहाँ पर लगा लिया, ये वाली थीम को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। जैसे मैंने ये वाली ओपन करा, ओपन करने के बाद मैंने इस थीम को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने ये वाली थीम को अप्लाई कर लिया, अब इस थीम को अप्लाई कर तो लिया, अब हमें मान लो इसके पीछे वाली बैक वाले भी थीम में ही जाना है, मतलब कि जो हमारी कंपनी की डिफ़ॉल्ट रहती है, हमें वही थीम को ही अपने गैलेक्सी में लगाना है, हमें ये वाली थीम नहीं लगाना जो कि हमने थीम पार्क के थ्रू लगाई है। तो उसमें क्या होता था, बहुत दिक्कत आती थी आप डिफ़ॉल्ट में लगाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ता तब जाके आप डिफ़ॉल्ट वाली थीम लगा सकते थे। बट अब उसको यहाँ पर इजी कर दिया गया है, वहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट थीम का ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे आप इजी अपनी डिफ़ॉल्ट थीम लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने लगा है, जो कि पहले नहीं आता था, अब ये आपको यहाँ पर दे दिया गया। आपको सिंपल इस डिफ़ॉल्ट वाली थीम पर क्लिक करना है और उसको वहाँ पर अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो सारा वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा कि पहले रहता है, या जैसा कि कंपनी से आता है सेम डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगा। ये फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो बना तो लेते हैं पर वो डिफ़ॉल्ट में जाने में उनको बहुत तकलीफ होती है, उसको देखते हुए उन्होंने उसको यहाँ पर ईजी कर दिया है, ताकि आप ईजिली डिफ़ॉल्ट थीम तक अपने पहुँच जाएँ। इसमें एक चीज़ और करिए कि लोग आइकन भी डाउनलोड कर लेते हैं बहुत सारे, लाइक मैंने ये वाला आइकन मान लो अप्लाई कर लिया, वापस मुझे डिफ़ॉल्ट आइकन में जाना है तो भी लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, तो उसके लिए भी उन्होंने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन जोड़ दिया। जैसे कि मान लो मैंने ये वाला आइकन लगा लिया, आप देख रहे होंगे ये आइकन मैंने यहाँ पर सेट आउट कर दिए, देख सकते हैं ये मैंने आइकन सेट आउट कर दिए। हाँ, बड़ा अजीब से लग रहे हैं, और हमें मान लो वापस अपने पुराने वाले पे जाना है तो यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उसको डिफ़ॉल्ट पे जाना है, और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट पे ऑप्शन पे जाने के बाद आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आप अपने डिफ़ॉल्ट में ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। तो यही नया अपडेट था थीम पार्क की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।